अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम DHE चंडीगढ़ की एडमिशन की आगे फॉरवर्डिंग वीडियो देखेंगे कि आज DHE चंडीगढ़ के अंदर क्या विशेष चल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी अलॉटमेंट लिस्ट आ गई थी, और अलॉटमेंट लिस्ट के बाद हमारे पास जो भी कॉलेजेस की जो डाटा था वो आपके पास आ चुका है। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप जानती हैं, अभी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। तो आज हम इस कड़ी में पहले सेंट्रलाइज एडमिशन की बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर BCom, BBA एंड BCA क्या रहा इसका एडमिशन का आगे का रुझान, वो हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। शेड्यूल आपने देख ही लिया था, अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, आगे क्या होने वाला है, क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है, उसकी जानकारी अब हम इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आगे आज मंडे को क्या रहा, इसकी पूरी जानकारी अब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरिट लिस्ट हमारे पास आ चुकी थी, और अब हमारे पास अब क्या होने वाला है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने विलिंगनेस फॉर्म भर दिए होंगे, कल संडे था, शाम के 5 बजे तक विलिंगनेस देनी थी। उन बच्चों ने देनी थी जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हो गई है, लेकिन वो किसी कारणवश उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, तो उन्हें विलिंगनेस देनी होगी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। या फिर वो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी थी, या कोई ना कोई त्रुटि थी, कोई ना कोई मिस्टेक थी, जिसके कारण से उन्हें जो सीट अलॉटमेंट की गई थी फर्स्ट लिस्ट में वो उनको नहीं दी जा सकी। अब ऐसे में उनका कैंसलेशन नहीं है, उन्हें विलिंगनेस देनी थी, और होप सभी बच्चों ने अपनी विलिंगनेस दे दी होगी। अब आगे के प्रोसेस के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड काउंसलिंग की बात अब इस वीडियो में करने वाले हैं। डिटेल कोर्स वाइज कॉलेज वाइज वेकेंट विल बी नोटिफाइड ऑन DHE वेबसाइट 15 जुलाई, आज सोमवार को जो जो वेकेंट लिस्ट है कॉलेज वाइज वो आनी है हमारे पास, और उसके बाद हमारी सेकंड केस में क्या है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरीफाइड एप्लीकेंट एंड द लिस्ट एप्लीकेंट विद डिस्क्रिपेंसी इफ एनी हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज इन द सेकंड ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट 16 जुलाई ट्यूसडे बाय 5 PM। आज हमारे पास वैकेंसी लिस्ट आएगी जिसकी हम वेट कर रहे हैं, और साथ में कल हमारे पास प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी सभी वेरीफाइड हमारे कंपोनेंट्स की। एप्लीकेंट हैज़ टू क्लियर द डिस्क्रिपेंसी इफ एनी ऑन और बिफोर 17 जुलाई, 17 जुलाई तक आपने ये क्लियर करनी होगी 12 बजे तक, 17 जुलाई 12 बजे तक। इसमें आप देख पा रहे हैं एक मिसप्रिंट है, ये 17 जुलाई जो है हमारी वेडनेसडे है, या थर्सडे लिखा हुआ है बाई 12 एट द कॉलेज लेवल थ्रू द रिस्पेक्टिव DHE लॉगिन, और वंस द एप्लीकेंट फॉर्म इज़ वेरीफाइड बाय द कॉलेज द सीट विल बी असाइंड बाय द कॉलेज एज पर एज द डेट एंड टाइम मैंशन ऑन द सेकेंड ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल एंड ही विल रिसीव द SMS और ईमेल रिगार्डिंग द डिपोजिशन ऑफ फीस
इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज उनको तो DHE के थ्रू करना है, प्राइवेट कॉलेज है तो उनकी साइट पे जाकर पेमेंट करनी है, जो ये आपके वर्जन्स लिखे हुए हैं। फीस डिपॉजिट 24 घंटे तक करनी है, अदरवाइज सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम फिर से दोबारा यहाँ पर अपने यहाँ पर देखते हैं कि कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट तो आ गई है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी सेंट्रलाइज एडमिशन की देखते हैं। यहाँ पर ये आपने देखा जो हमारे पास शेड्यूल है, ये फर्स्ट काउंसलिंग की थी और अभी अलॉटेड कॉलेजेस की आपको मालूम ही है, और 14 तारीख तक विलिंगनेस भेजनी है। अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं अभी कोई भी वैकेंसी लिस्ट नहीं आई है। मैं दोबारा एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आई है, सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ अलॉटेड कॉलेजेस की आई है, यहीं पर आपकी वैकेंसी लिस्ट आनी है। जैसे ही हमारे पास वैकेंसी लिस्ट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि भाई 15, 16, 17 और 18 तारीख तक क्या होगी, कैसे सेकेंड काउंसलिंग होनी है, जिसकी पूरी तमाम जानकारी अभी इस वीडियो में मिल गई है आपको। फिर भी कोई क्वारीज है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा आपकी हेल्प में लगे रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को भाई अब सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और साथ में वीडियोज़ को शेयर कर दो। धन्यवाद वंस अगेंस्ट।